गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सौरभ कुमार द टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग आईटीआई के जो ट्रेड थीटा होता है उसी ट्रेड के कुछ टॉपिक के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग आईटीआई का फुल मीनिंग क्या होता है, फिर जानेंगे कि एनसीबीटी क्या होता है, फिर जानेंगे कि एससीबीटी क्या होता है, फिर जानेंगे एनसीबीटी और एससीबीटी में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, फिर हम लोग जो इसका ट्रेड फीटर है इसके बारे में कुछ आज इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम लोग चैप्टर वाइज इसका पूरा थ्योरी जो है फीटर ट्रेड का थ्योरी हम लोग पूरा डील करेंगे। ठीक है, सिलसिलेवार तरीके से। चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि आईटीआई का फुल मीनिंग क्या होता है। तो देखिए इसका क्या होता है कि आईटीआई का फुल मीनिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है। ठीक है, क्या होता है आईटीआई का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है। ठीक है, यह टेक्निकल में सबसे छोटा डिग्री होता है आईटीआई। चलिए ठीक है, इसके बाद आप देखे हुएगा कुछ लड़का बोलेगा कि हम एनसीबीटी से आईटीआई किए हुए, कुछ बोलेगा कि हम एससीबीटी से आईटीआई किए हुए। तो हम लोग जानते हैं कि एनसीबीटी क्या होता है और एससीबीटी क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग एनसीबीटी क्या होता है, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। ठीक है, एससीबीटी स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। देखिए दोनों एक प्रकार का ट्रेनिंग होता है। ठीक है, तो एनसीबीटी से यदि कोई आईटीआई किया हुआ है तो मतलब वो कह सकते हैं कि ये जो नेशनल काउंसिल और वोकेशनल ट्रेनिंग है जिसको एनसीबीटी शॉर्ट में बोलते हैं और इसको एससीबीटी बोलते हैं, दोनों एक प्रकार का ट्रेनिंग। ये एक प्रकार का राष्ट्रीय स्तर पे ट्रेनिंग होता है और एक बड़े पैमाने पे कह सकते हैं कि पूरे देश के लिए सेम होता है। ठीक है, चाहे वो किसी भी स्टेट में कॉलेज हो, ठीक है, तो उस पर कॉलेज या कह सकते हैं इस पे स्टेट का कोई स्पेशल रूल नहीं होता है। ठीक है, बट जब ये एससीबीटी से कोई आईटीआई करता है तो ये हर एक स्टेट के लिए अलग अलग रूल रेगुलेशन होता है उसके ट्रेनिंग के लिए, और ये एक छोटे स्तर का ट्रेनिंग होता है। एससीबीटी जो होता है ये एक छोटे स्तर का ट्रेनिंग होता है और ये जो एससीबीटी है ये एक बड़े स्तर का ट्रेनिंग होता है। ठीक है, तो एससीबीटी हर एक स्टेट के लिए इसके लिए अलग अलग रूल रेगुलेशन है, बट ये एनसीबीटी है जो है ये पूरे राष्ट्र के लिए सेम होता है, जो रूल रेगुलेशन है प्रत्येक कॉलेज के लिए सेम होता है। ठीक, तो हम लोग जाने कि एनसीबीटी क्या होता है, फिर ये एससीबीटी क्या होता है। हम लोग फीटर ट्रेड के अंतर्गत जो भी इसका हम लोग टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो बिल्कुल चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले हम लोग कुछ कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे कि टूल्स क्या होता है, फिर कुछ कुछ टूल्स भी देखेंगे। ठीक है, बट जब हम लोग चैप्टर वाइज स्टडी करेंगे वहां यही सब टूल का ब्रीफ में स्टडी करेंगे, जैसे अभी हम लोग देखेंगे कि टूल क्या होता है। ठीक है, देखिए टूल इसका हिंदी औजार होता है। ठीक है, टूल का हिंदी औजार होता है। तो ये टूल के बारे में जानेंगे। तो जनरली जो टूल को बनाया जाता है, मेड किया जाता है, वो हाई कार्बन स्टील का और हाई स्पीड स्टील का होता है। तो जो रोटरी टूल होता है जनरली वो रोटरी टूल हाई स्पीड स्टील का होता है। ठीक है, हाई स्पीड स्टील का रोटरी टूल ज्यादातर बना होता है। ठीक है, और जो स्टेशनरी टूल होता है वो हाई कार्बन स्टील का बना होता है। तो हाई कार्बन स्टील जो होता है ये प्योर स्टील है, जैसे हम लोग जानते हैं स्टील जो होता है आयरन और कार्बन से, कार्बन के कंटेंट से मिलके बना होता है। तो इसमें जो होता है परसेंटेज ऑफ कार्बन जो होता है ये 0.6 से 1.4% होता है। ठीक, और हाई स्पीड स्टील में क्या होता है, ये एलॉय स्टील होता है। देखिए एलॉय स्टील क्या होता है कि जब हमको डिजायर्ड प्रॉपर्टी स्टील में अवेलेबल नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, स्टील का एलॉयिंग करते हैं, जो एप्लीकेशन के लिए जो डिजायर्ड प्रॉपर्टी होता है उसको फुलफिल कराने के लिए हम लोग स्टील का एलॉयिंग करते हैं। ठीक है, इसमें और अदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को ऐड कराते हैं जब हम लोग प्योर स्टील में कह सकते हैं। ठीक है, टंगस्टन क्रोमियम और वैनेडियम को मिलाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, ये हाई स्पीड स्टील जो बनता है देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन जो लेते हैं इसमें 0.6 to 0.7% लेते हैं, प्लस में इसमें अदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल लेते हैं। ठीक है,
टंगस्टन लेते हैं, ठीक है, क्रोमियम लेते हैं, वेनेडियम लेते हैं, ठीक है। तो टंगस्टन जनरली 18% लिया जाता है, क्रोमियम 4% लिया जाता है, वेनेडियम 1% लिया जाता है, और जो रेस्ट होता है वो रेस्ट Fe होता है। जब आयरन कह सकते हैं यहाँ पे, जब हम लोग स्टील का एलॉयिंग करते हैं, मतलब एलॉयिंग का अर्थ होता है जब हम लोग उसके बेसिक कंपोनेंट में हम लोग अदर से कोई अदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को हम लोग ऐड कराते हैं, तो ये चीज है यहाँ पे। प्योर स्टील में हम लोग अदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जैसे टंगस्टन, क्रोमियम और वेनेडियम में इसको मिला के हम लोग उसके प्रॉपर्टी में इंप्रूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो यही हाई कार्बन सॉरी हाई स्पीड स्टील का कंपोजिशन होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या होता है, हम तो पहले ही बता चुके हैं, हाई कार्बन स्टील जो भी स्टेशनरी ट्यूल होता है वो स्टेशनरी टूल में हाई कार्बन स्टील का यूज किया जाता है। सब उसके बाद हाई स्पीड स्टील जो होता है, जो भी रोटरी टूल होता है, खास करके जैसे ड्रिल बिट सब हो गया, ठीक है, जो भी कह सकते हैं कि रोटरी टूल है, उसमें क्या क्या होगा, हाई स्पीड स्टील का ही वो टूल बनाया जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग कुछ कुछ टूल देखेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग चीजल लेते हैं, ठीक है, जिसको घरेलू भाषा में छेनी बोला जाता है, ठीक है, जिसको घरेलू भाषा में छेनी बोला जाता है। तो ये चीजल का कुछ कुछ प्रॉपर्टी होता है जो कि कंपटीशन में आप देखिएगा मिलेगा आपको। जैसे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट इसका शेप पूछता है कि चीजल का शेप क्या होता है और इसका कटिंग एज एंगल क्या होता है, ठीक है। तो देखेंगे सीमेंट प्रॉपर्टी, इसका कटिंग एज एंगल 55 डिग्री होता है और इसका शेप जो होता है ऑक्टागोनल शेप का होता है। तो वही बात यहाँ लिखेंगे, इसका आकार ऑक्टागोनल का होता है, ठीक है, इसका जो शेप होता है कैसा होता है, ऑक्टागोनल होता है। फिर यह हाई कार्बन स्टील का बना होता है, देखिए ये स्टेशनरी टूल है, ये किसी मशीन में लग के रोटेट नहीं होता है, ठीक है, तो स्टेशनरी टूल है। देखिए स्टेशनरी टूल हम बोले कि लगभग स्टेशनरी टूल जो होता है हाई कार्बन स्टील का बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह हाई कार्बन स्टील का बना होता है, मतलब ये चीजल किसका बना होता है, हाई कार्बन स्टील का। अब देखिए इसका जो मेनली वर्क होता है ना, चिपिंग का काम करता है, चीजल क्या करता है, चिपिंग का काम करता है, गांव घर में इसको छेनी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका अगला हम लोग प्रॉपर्टी देखें कि यह किस चीज चिपिंग का काम करता है, ठीक। उसके बाद इसका कटिंग एज एंगल जो होता है 55 डिग्री होता है, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, ये कटिंग एज एंगल कितना होता है, 55 डिग्री होता है, इसका कटिंग एज एंगल 55 डिग्री होता है। उसके बाद इसके लोअर पोर्शन को टैंपरिंग किया जाता है, इसका जो ये लोअर पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो कटिंग एज वाला पोर्शन है, इसको लोअर पोर्शन भी बोलते हैं, लोअर पोर्शन, ये जो लोअर पोर्शन है इसको टेम्परिंग किया जाता है, ठीक है। तो टेम्परिंग क्या है, यह हीट ट्रीटमेंट का एक प्रोसेस होता है। देखिए क्या होता है कि जब मटेरियल के और प्रॉपर्टी में हमको इम्प्रूवमेंट चाहिए होता है तो हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते हैं। हीट ट्रीटमेंट क्या होता है आगे हम लोग लेक्चर में ब्रीफ में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जान लेते हैं। देखिए क्या होता है कि बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट, मतलब किसी भी मटेरियल में जब हम लोग हीट दे के उसके प्रॉपर्टी में इम्प्रूवमेंट करते हैं, ठीक है, तो उसके प्रॉपर्टी में जो इम्प्रूवमेंट होता है ना, उसके स्ट्रक्चर में वेरिएशन के कारण होता है। तो जब हम लोग मटेरियल को हीट देते हैं क्या, तो उसके स्ट्रक्चर में चेंजिंग आता है, ठीक है, और वो जब हम लोग जानते हैं कि स्ट्रक्चर में चेंजिंग आएगा तो उसके प्रॉपर्टी में भी चेंजिंग आएगा। अब देखिए मान लीजिए इस पोर्शन को ज्यादा हार्ड नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, जिस समय इस पे हैमर के थ्रू जब इसको यूज में लाएगा, हैमरिंग करेगा, ठीक है, जब हैमरिंग करेगा तो क्या होगा, इसका कटिंग एज खराब हो जाएगा, इसीलिए इसमें हीट ट्रीटमेंट का यहाँ पे लगाया जाता है, जिसको टेम्परिंग किया जाता है। हीट ट्रीटमेंट का एक प्रोसेस होता है टेम्परिंग, याद रखिएगा, हम लोग आगे हीट ट्रीटमेंट में ब्रीफ में पढ़ेंगे टेम्परिंग क्या होता है, केस हार्डनिंग क्या होता है, कोर हार्डनिंग क्या होता है, ठीक है, सरफेस हार्डनिंग क्या होता है, कार्बोराइजिंग क्या होता है, सब आगे हम लोग जाके पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इतना बात था चीजल के बारे में, हम लोग इसके बाद दूसरा कुछ टूल्स देखते हैं।